देखिए न्यूमेरिकल आपको बताना है, आप न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा और जो भी आप न्यूमेरिकल कहेंगे वो बताया जाएगा। मूलतः जो आंकिक सवाल इस चैप्टर में है, ठीक है, वह जिन सूत्रों पर हैं वो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, दो ही तीन सूत्रों पर है मुश्किल से। एक तो सीमांत वेग का सूत्र आपको पता होगा, उस सूत्र पर आपको सवाल मिल सकते हैं। जैसे कौन सा फार्मूला है, v इज इक्वल टू 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा, है ना, याद फार्मूला है। एक तो ये फार्मूला है, इस पर भी सीमांत वेग से संबंधित जो भी तथ्य हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए दूसरा जो फार्मूला है वो आपको द्रवों के अविरतता के सिद्धांत पर मिलेगा। आसान बिल्कुल क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है कई ज्यादा दिया हुआ इस पर, द्रवों के अविरतता का सिद्धांत। सिद्धांत पता है आपको ना, कि अगर किसी असंपीड्य और आसयान, यदि कोई असंपीड्य और आसयान द्रव किसी असमान परिच्छेद की नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और द्रव के वेग का गुणनफल नियतांक होता है। या सिंपल सी भाषा में आपको बता दूं तो a1 × v1 बराबर हो जाएगा a2 × v1 = a2 × v2, ठीक है, इस पर मिलेगा। और एक मुख्य जो है वो आप जानते हैं पहले से है, बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली की प्रमेय में p1 + ½ρ v1² अक्सर आपको रो जी एच वाला टर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि क्षैतिज सम प्रयोग कर देगा, नहीं तो यहां पर लगा दीजिएगा ρgh1 = p2 + ½ρ v2² + ρgh2। आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ρgh1 और ρgh2 अक्सर क्वेश्चंस में नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए ये जो पहला द्रव के बहिस्राव का वेग वाला रहेगा, तो आप जानते ही हैं कि v = √2gh, द्रव के बहिस्राव का वेग होता है। उसमें दिया रहेगा कि बर्तन की ऊंचाई इतनी है और 5 सेंटीमीटर नीचे 10 सेंटीमीटर नीचे छिद्र किया गया है, तो जो h है उस h की वैल्यू आप रख देंगे, जो दिया रहेगा जितना नीचे छिद्र किया रहेगा। छिद्र की गहराई द्रव के स्वतंत्र तल से है, बर्तन की पेदी से नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देना है। द्रव के स्वतंत्र तल से मतलब जो ऊपरी तल है वहां से छिद्र की गहराई है एच, तो √2gh जो है में रख देंगे आप। इन्हीं सूत्रों पर सवाल है, देखिए अब इस पर जो सवाल आपको मिलेगा, अक्सर इस तरह का सवाल देखिए छोटा होता है इंपॉर्टेंट होता है, और बिना आप ज्यादा मेहनत किए हुए लगा सकते हैं। कैसे, जैसे इस तरह सवाल अगर दिया जाए तो सवाल आपको दिया रहेगा कि एक द्रव की, है ना, या जल की 8 बूंदें, जल की 8 बूंदें, ठीक है, गिर रही हैं, उनका सीमांत वेग 10 सेंटीमीटर/सेकंड है। जल की बूंदें हैं वायु में गिर रही हैं, जल की बूंदें हैं वायु में गिर रही हैं और उनका सीमांत वेग कितना है, 10 सेंटीमीटर/सेकंड है। तो अगर सभी 8 बूंदों को मिलाकर के 1 बूंद बना दी जाए तो सीमांत वेग कितना हो, ठीक है। तो देखिए पहले 8 बूंदें थी, बूंदे 8 दिया रहेगा, 27 दिया रहेगा, 64 दिया रहेगा, जिसका घनमूल निकल सकता हो उतना ही बूंद दिया रहेगा। 8 घनमूल 2 होता है, 27 का 3 होता है, 64 का 4 होता है, 125 का 5 होता है, तो घनमूल वाला ही देगा, ठीक है। तो जैसे दिया हुआ है 8 बूंदे हैं और मिलाकर के 1 बूंद बन गई आपकी, तो क्या होगा, बूंद की त्रिज्या में परिवर्तन हो जाएगा। 8 बूंदे अलग अलग हैं तो प्रत्येक बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर अगर आप माने हैं और पूरे को मिला देंगे 8 बूंदों को और 1 बूंद बना देंगे, त्रिज्या बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन न तो रो बदलेगा, रो क्या है, द्रव का घनत्व, यहां पे सिग्मा क्या है, वायु का घनत्व है,
जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, ईटा क्या है, वायु की श्यानता है, जिस माध्यम में गिरता है उस माध्यम की श्यानता है, द्रव की श्यानता नहीं यहाँ पे है वो। जैसे ठोस गोला जो है अगर जल में गिरेगा तो जल की श्यानता होगी, तो ऐसे द्रव की बूंद वायु में गिर रही है तो वायु की श्यानता है। लेकिन यह सब चीजें अपरिवर्तनशील है, क्योंकि आठों बूंदों को मिला करके आप एक बूंद बना देंगे तब भी तो गिरेगा वायु में ही, तो इसका मतलब टू अपॉन नाइन कांस्टेंट है ही है। तो यह सीमांत वेग किस पर निर्भर कर रहा है, आर स्क्वायर पर। कितना, किस पर निर्भर कर रहा है, आर स्क्वायर पर। तो पहले जब त्रिज्या आर थी, एक एक बूंद की त्रिज्या आर थी, तो वेग उसका भी था, भी का मान दिया रहेगा 10 मीटर प्रति सेकंड या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और जब हमने आठों बूंदों को मिलाकर के एक बूंद बना लिया, तो देखिए एक बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3πr³ कैपिटल आर। एक बूंद बना लिया हमने आठ बूंदों को मिलाकर के, और एक छोटी बूंद जो आपकी जो थी वो 4/3πr³, एक छोटी बूंद का आयतन था, इसी में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 27 बूंद को मिलाएंगे, 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर 4π 4/3π 4/3π कटेगा, घनमूल जब लेंगे आप तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r। देख लीजिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r। अब ऐसे अगर 27 यहां रहेगा तो 3r हो जाएगा, 64 रहेगा तो 4r हो जाएगा। तो घनमूल जो निकलेगा वही देगा अक्सर। तो अगर त्रिज्या दुगनी हो गई, बड़े बूंद की त्रिज्या जो है जब हमने सबको मिला दिया आठ बूंदों को, तो जो एक बूंद हमारा बन गया उस बूंद की त्रिज्या छोटे वाले बूंद की त्रिज्या की दुगनी हो गई। जब यहां पर 2r रखेंगे, ध्यान दीजिएगा 2r, तो त्रिज्या अगर दोगुनी हो गई तो 2r रखेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 4r2। इसका मतलब कि जो वेग था अब वो 4 गुना हो गया। कितना वेग हो गया, 4 गुना हो गया। तो पहले वेग 10 सेंटीमीटर पर सेकंड था, तो अब वेग हो जाएगा 10×4 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ रहे हैं, तो बिना आप कलम उठाए भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन अगर इस तरह से हैं, ठीक है। तो सीमांत वेग पर सवाल आपको हो सकता है मिले यहां पे, हर तरह के सवाल को आप टेस्ट जरूर किया करिए, समझ रहे हैं। चलिए एक सवाल आपको बोलते हैं हम, क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा फिर बताइएगा हमको। चलिए एक बर्नौली प्रमेय के सवाल आपको बताते हैं। एक क्षैतिज पाइप में, प्रश्न आप ध्यान समझिएगा, एक क्षैतिज पाइप में जिसमें जल बह रहा है, उसके दो बिंदुओं पर जल के दाबों का अंतर 1.4 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर है, ठीक है। एक पाइप है इसमें जल बह रहा है, ठीक है। पहली जगह पर दाब मान लीजिए P1 है, दूसरी जगह पे दाब P2 है, ठीक है। एक जगह पर दाब P1 है और दूसरी जगह पर P2 है। दोनों जगहों पर जो दाबांतर है, दाबांतर का मतलब हो गया P1 - P2, दाबांतर का आशय हो गया P1 - P2। तो जो दाबांतर है दोनों स्थानों पर वो क्या है, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर है, पारे के दाब के बराबर। P1 - P2 जो है वह 1.4 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर, ठीक है यहां तक। इसके बाद क्या रहा है, यदि असमान परिच्छेद के कारण अधिक परिच्छेद वाले बिंदु पर जल की चाल 60 सेंटीमीटर पर सेकंड हो, अधिक परिच्छेद वाला जो बिंदु है ये, इस पर जल की चाल V1 मान लीजिए 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, अधिक परिच्छेद जहां पर है वहां पर द्रव की चाल क्या है, 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड अगर है, तो दूसरे बिंदु पर जल के चाल की गणना कीजिए, अर्थात यहां पर जल का चाल अगर V2 है तो V2 आपको निकालना है। और क्या दिया हुआ है, पारे का घनत्व दिया है, जी का मान दिया है, पारे का घनत्व जो है रो अगर है तो 13.6×10³ किलोग्राम प्रति घन मीटर दिया हुआ है। और साथ ही साथ जल का जो, माफ कीजिएगा, जी का जो मान है वो क्या है, 9.8।
ये चीज दिया हुआ है। मतलब कोई पाइप है, उस पाइप में द्रव बह रहा है, द्रव के दो बिंदुओं के बीच जो दाबांतर है वह 1.4 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर है। ऐसे आपसे कहा जाता है कि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर दाब के बराबर होता है। इसका मतलब 76 सेंटीमीटर किसी नली में पारा भरा अगर हो तो जितना दाब वह डालता है उतना ही दाब वायुमंडल का प्रेशर है। कैसे निकालते हैं भाई? पारे के 76 सेंटीमीटर वायु दाब को अगर निकालना है तो दाब का फॉर्मूला होता है P बराबर एच रो जी, एच रो जी, तो एच की जगह पर वह ऊंचाई रख देंगे जो दिया हुआ है, रो की जगह पर डेंसिटी रख देंगे, पारा अगर है तो पारे का घनत्व दिया भी गया है, जी का मान भी दिया गया है, रख देंगे तो ये दाबांतर P1 माइनस P2 आपको निकल जाएगा। ये गति दिया हुआ, ठीक है। इसमें अब क्या करेंगे, क्योंकि दाब भी है वेग भी है, अर्थात दाब ऊर्जा है गतिज ऊर्जा है, और क्षैतिज पाइप लिखा हुआ है, पाइप शुरू में लिखा गया है एक क्षैतिज पाइप है, इसका मतलब कि स्थितिज ऊर्जा वाला पोर्शन कट जाएगा। तो आप लगाएंगे फार्मूला यहां पे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। पक्षांतर कर लेंगे इसको तो हो जाएगा P1 माइनस P2, P2 को हम पक्षांतर कर लेंगे तो P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है, 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब ये दाबांतर दिया हुआ है पारे के 1.4 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर है, तो यहां हम क्या करेंगे, रख देंगे 1.4 सेंटीमीटर है, देखिए पारे का जो घनत्व तो है वो किलोग्राम प्रति घन मीटर में दिया हुआ है, इसलिए सबको एक ही मात्रक में रखना पड़ेगा। तो अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको आप 10^-2 से गुणा करके मीटर बना लीजिएगा, सेंटीमीटर वाला मीटर बन गया ना। अच्छा, एच हो गया इंटू रो, रो मतलब घनत्व तो दिया हुआ है 13.6 × 10^3, एच हो गया, रो हो गया, जी की वैल्यू है 9.8। अगर कह दिया कि दाबांतर 1.4 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर है तो आप इतना समझ लीजिए कि एच हो गया, रो हो गया, जी हो गया, तो ये हो गया P1 माइनस P2 की वैल्यू बराबर 1/2 रो। रो क्या है यहां पे, रो यहां पे क्या होगा, रो यहां पे द्रव का, द्रव बह रहा है ना, तो द्रव का घनत्व होगा, ठीक है ना, द्रव का घनत्व हुआ तो द्रव घनत्व क्या होता है, 10^3 जल का घनत्व, जल बह रहा है 10^3 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, समझ गए बात को, तो 1/2 हो गया, रो हो गया आपका, फिर V2 स्क्वायर निकालना ही है, और V1 स्क्वायर जो है V1 की वैल्यू क्या है, 60 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बनाएंगे तो क्या होगा, 60 × 10^-2 हो जाएगा, ठीक है, अरे 0.6 होगा, 0.6 मीटर वर्ग करो क्या होगा, 0.36 होगा, 0.36 कर देते हैं, 0.36 देख लीजिए, तो यहां पे है, ठीक है, आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां पर रख करके आप निकाल सकते हैं, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे ना, 10^3 × 10^3 से कट जाएगा। अब इधर जो है V2 स्क्वायर माइनस 0.36, इसको रोक लीजिए, 0.36 रोक लीजिए इसको, बराबर इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2.8, ये हो गया, 2 से गुणा कर दिया, इंटू यहां गुणा करेंगे जब आप तो 13.6 × यहां गुणा करेंगे तो 9.8, और 10^-2 है ही है, 10^-2 सही आते। अब V2 स्क्वायर माइनस 0.36 = 10^-2 आपका है, इसको आप 0.136 कर सकते हैं,
तीनों गुणा कर दीजिएगा, गुणा में आप कर ही लेंगे, मैं आंसर बता दे रहा हूं उसका, इसका आंसर मैं बता दूं आपको 3.74 ये हो जाएगा आपका 3.74, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 3.74 हो जाएगा, और इसको पक्षांतर कर दीजिएगा तो V2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3.74 प्लस 0.36, तो क्या हो जाएगा 6 4 10, 7 3 10 11 और 3 1 4, 4.10। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई वैल्यू 4.10, ये वैल्यू हो गई V2 स्क्वायर की। इसका वर्गमूल निकाल लीजिए जब आप, तो क्या होगा 2.01 V2 की वैल्यू, इसका वर्गमूल निकाला हुआ जब तो 2.01 या 2.1 कितना आ रहा है, 2.02 आ रहा है, जो भी वर्गमूल आ जाएगा यह इसका वेग हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुणा भाग कर लेंगे आराम से, निकाल लेंगे आप, तो ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना है आपको, क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और बताते हैं आपको, द्रवों के अविरतता का सिद्धांत, उस पर जो क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा, और बर्नौली प्रमेय आप देख लीजिएगा, बस यही दो ही मुख्य टॉपिक तो है न्यूमेरिकल दृष्टिकोण से। चलिए कौन सा क्वेश्चन बता दें आपको, सब ऐसे ही है, जैसे एक असमान परिच्छेद वाली है ना, एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज नली में द्रव बह रहा है, क्षैतिज नली कह दिया, हर क्वेश्चन में लगभग आपको क्षैतिज नली मिल जाएगा, तो जब क्षैतिज नली कह देगा तो जो रो जी एच का टर्म है वो समाप्त हो जाएगा। एक स्थान पर नली की त्रिज्या 0.50 सेंटीमीटर है, एक स्थान पर नली की त्रिज्या R1 इक्वल टू क्या है 0.50 सेंटीमीटर, एक स्थान पर, ये असमान परिच्छेद नली है, एक स्थान जो है वो पतला है, एक स्थान जो है वो चौड़ा है, समझ गए। तो नली की त्रिज्या एक स्थान पर क्या 0.50 सेंटीमीटर, अच्छा दूसरे स्थान पर, अच्छा इस जगह पे द्रव का वेग, इस जगह पे जहां पर त्रिज्या है, द्रव का वेग है 25 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। फिर कह रहा है एक अन्य स्थान पर जहां द्रव का वेग 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, कितना है 2.5 तो नहीं है, नहीं 25 है, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यहां पर द्रव का वेग क्या है V2 बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो क्या पूछ रहा है यहां पे, नली की त्रिज्या बताइए, R1 का मान, R2 का मान बताना है, तो R1 दिया है, V1 दिया है, V2 दिया है, R2 निकालना है। तो द्रवों के अविरतता के सिद्धांत के अनुसार A1 गुणे V1 बराबर हो जाएगा A2 गुणे V2, तो A1 क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि हमको क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, त्रिज्या दी गई है, तो त्रिज्या के पदों में क्षेत्रफल का सूत्र आप लिखेंगे, तो पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बराबर A2 लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में वेग दिया गया है, इसे चेंज नहीं कर रहे हैं, सारी चीज एक ही दो सब एक ही में दिया हुआ है और कट जाएगा, इसलिए इसको मीटर में परिवर्तित करना जरूरी नहीं है। A2 इक्वल टू हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, V2 की वैल्यू निकालनी है, R1 की वैल्यू क्या है 0.50 सेंटीमीटर, तो पहली चीज तो पाई से पाई कट गया, समझ गए, पाई से पाई कट गया। अब एक काम कीजिए, पहले तो वर्गमूल ले लीजिए इसका, हर तरफ का वर्गमूल, तो R1 स्क्वायर है इसका वर्गमूल हो जाएगा R1, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, R2 स्क्वायर वर्गमूल हो जाएगा R2, V2 स्क्वायर वर्गमूल हो जाएगा V2, सॉरी V2 स्क्वायर क्यों लिख गया यहां पे, नहीं V2 स्क्वायर नहीं है, V2 स्क्वायर नहीं, बल्कि यहां पे क्या है 4 है, V2 का मान क्या है 4 है, यहां पर 4 कर देंगे, समझे। R1 की वैल्यू क्या 0.50 गुणे 5 बराबर R2 गुणे 4, मल्टीप्लाई आप करेंगे 5 25, तो 2.5 बराबर हो जाएगा R2 गुणे 4, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5 बटे 4
दशमलव 625 0.62। कहां गड़बड़ हो गया भाई, कहां गड़बड़ हुआ? A1 गुड़े B1 इक्वल टू A2 गुड़े B2 पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 25 आपका है, फिर पाई R2 स्क्वायर इंटू V2 आपका 4 है, ठीक है। फिर जो है आपने क्या किया, वर्गमूल ले लिया, तो वर्गमूल में कोई दिक्कत नहीं, वर्गमूल ले लिया, R1 हो गया 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ R2 हो गया और 4 वर्गमूल 2 इसको बता नहीं, 2 ऐसे कर दिया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 1.25 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या हो जाएगी 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। नली की त्रिज्या क्या हो गई 1.25 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे, क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा और जो आपके कमेंट में क्वेश्चन आएंगे वो आपको हम बताएंगे, ठीक है।